वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो फ्रॉम ऑस्ट्रिया। आज मैं आया था वियना, ये दोस्त का सामने फ्लैट था, वहाँ पे रेस्ट किया। अब जा रहा हूँ प्राग, प्राग की टिकट मैंने करवा ली है। तो सामने भीड़ लगी हुई है, ऑफिस की छुट्टी हुई है, पता नहीं क्या हुआ है। सो लेट्स गो सी कि ये सफ़र कैसा रहता है, क्योंकि ये सफ़र है तकरीबन 3 घंटे का सफ़र है प्राग पहुंचने के लिए। ये सारे लोग इस चाय के पता नहीं क्या है, कहाँ से निकल आए। सामने ग्रीन सिग्नल है, तो हम भी जा रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ से कैसे। इतना रश, भीड़ क्या हो गया इनको, पता नहीं क्या। ये तो बहुत ज़्यादा बंदे हैं यहाँ पे। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है, गाड़ियाँ खड़ी होती है, बंदे गुजर रहे हैं ना, गाड़ियाँ खड़ी हुई सामने। वो वाला ग्रीन है, अब रेड हो गया बंदों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग। थोड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, ये हमारी बस का टाइम है मेरे ख्याल से 4:15। जब तक थोड़ा बहुत चक्कर लगाएंगे। यहाँ पे शायद मनी एक्सचेंज हो, पैसे कन्वर्ट करवाने, क्योंकि अब यूरो मेरे पास बहुत कम बचे हैं। तो मतलब पहले से ही तैयारी मेरा है चेंज करवाने। यहाँ पे ये खाने की शॉप्स हैं, कुछ और शॉप्स हैं, देखते हैं अगर मनी एक्सचेंज भी हो यहाँ पे, शायद हो। लेट्स सी, इस तरफ तो कोई नहीं दिख रही, अंदर चल के देखते हैं इस तरफ। ये देसी फैमिली थी, कोई उर्दू में बात कर रहे थे आपस में। यहाँ से बाहर निकलते हैं, देखते हैं अगर बाहर कहीं से मिल जाए हमें करोती एक्सचेंज, क्योंकि अभी गाड़ी में जो ना वो टाइम में तकरीबन 1 घंटा है, तो तब तक लेट्स सी इफ वी आर लकी इनफ टू गेट मनी एक्सचेंज। ये सारी मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ से ये टिकट ही बाय कर रहे हैं जो भी है ना। यहाँ से बाहर निकलते हैं, देखते हैं शायद यहीं कहीं हो।
दिस होप सुबह को भी यहीं पे आया था, मैं यहीं से गुजरा था, सामने वो बस स्टॉप है। मुझे पता ही नहीं था बस स्टॉप सुबह वाला सेम है, पर सेम नहीं है, चेंज है। अब इससे जो है ना दो स्टॉप छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा। यार बड़े झंझट है यहाँ की, चले हैं ट्रेन चेंज कर करके जो है ना, मुझे पूछना है बस स्टॉप पे, शायद आज मेरी बस मिस हो जाती है, इंशाल्लाह अब नहीं होगी। बहुत कॉम्प्लिकेशन है, अब ट्रेन चेंज की एक्स्ट्रा भी समझ नहीं आ रहे, पर बस सफ़र चल रहा है, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे सही सलामत। अकेला बंदा सोलो तो है ना थोड़ी मुश्किलें होती हैं, पर मुश्किलों की वजह से सफ़र तो नहीं छोड़ा। बाहर निकलते चक चक चकते कहाँ से फ्लिक्स बस हमें मिलेगी। हाय मुझे तो पता ही नहीं था, तो उसने जो है ना स्क्रीन शॉट निकाल के मुझे मैसेज किया कि आपको यहाँ से ये ट्रेन पकड़नी है, फिर वहाँ से ट्रेन चेंज करनी है, और फिर जो है ना उस स्टॉप पे जाओगे आपकी बस वहाँ पे आएगी। मुझे नहीं पता था कि, मैंने सोचा रात को जिस बस स्टॉप पे उतरा था उसी पे जाऊंगा, पर उस पे नहीं जा रहा, वो चेंज है। तो बाहर निकल के देखते हैं कि बस कहाँ पे मिलेगी हमें फ्लिक्स बस, देखते हैं किसी से पूछते हैं। सफ़र कंटिन्यूस। ये जो है ना सोलो में ये मुश्किलें होती हैं, बंदा थोड़ा परेशान हो जाता है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। फ्लिक्स बस के लिए उसने बंदे ने बताया कि ऊपर जो लिखा हुआ ना VIP, इसको फॉलो करें, VIP जो लिखा हुआ है वहाँ पे फ्लिक्स बस आएगी। अब देखते हैं यार ये VIP देखते हैं कहाँ पर आते हैं फ्लिक्स बस VIP। अरे बस आज लेट हो गई है 25 मिनट, 4:15 पे आने की, और अभी तक नहीं है। ये फ्लिक्स बस है सामने, ऐसी बस आएगी दूसरी जिसमें हम जाएंगे बुडापेस्ट। फाइनली ये हमारी बस आ गई है, आधा घंटा लेट आई है, हमें बस स्टॉप है। अभी इस बस में सब चढ़ रहे हैं, एक मोबाइल में एक टिकट लेने का कोड होता है QR कोड, वो स्कैन कर रहा है, और सबको जिसका QR कोड स्कैन हो रहा है वो जा रहे हैं अंदर। हफ्ते हफ्ते निकल चुके हैं बुडापेस्ट हंगरी के लिए, घूम के फिर आएंगे।
फास्ट ट्रेवलिंग मूवी। पहुँच चुका और यहाँ पे अपने वीडियो का एहतमाम करेंगे। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नई जगह पे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।